हेलो चिकन बर्गर मतलब जो KFC वाली जो सारी चीज़ें, KFC का ही दूसरा वर्जन है कजाकिस्तान का। अभी रेड लाइट है तो मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ। तो गाड़ी कितनी दूर खड़ी हुई है, यही अगर अपने इंडिया में होता तो भगदड़ मचा देते। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको यार, यहाँ की जो पॉपुलेशन है सिमकेंद की वो अराउंड 9 लाख के आसपास है, देख सकते हो। और रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अभी हालांकि 8 बजे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली में रात के 11 बजते हैं तब इतना कम ट्रैफिक होता है। तो मतलब यहाँ पे लड़कियाँ भी आराम से रात को 11-12 बजे तक घूम सकती हैं, कोई छेड़ेगा नहीं, जैसे अपने समझ सकते हो। तो दोस्तों इवनिंग के बज रहे हैं 8 और मैं हूँ शिमकेंट होटल में, सिटी सेंटर में रुका हुआ हूँ मैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट है जस्ट होटल के सामने और यहाँ पे केवल ब्रेकफास्ट अवेलेबल है होटल में, रात का खाना नहीं होता है। तो देखते हैं कि यहाँ शिमकेंट में रेस्टोरेंट कैफ़े कैसे होते हैं और क्या मिल सकता है। आपको अलग ही खाना होगा पर देखते हैं। दोस्तों ये था मेरा होटल पीछे और मुझे सामने जाना है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक 24/7 भी है, यहाँ से कुछ खाने को मिल सकता है क्या। सामने एक फैंसी सा रेस्टोरेंट है दोस्तों और अभी मुझे लगी है काफ़ी भूख। तो दो काम किए जा सकते हैं कि एक तो रोड क्रॉस करके वहाँ पे फैंसी से रेस्टोरेंट में खाया जा सकता है, पर आई गेस काफ़ी एक्सपेंसिव होगा वो, पर आपको फिर सुबह ट्राई करेंगे। पर मीनवाइल सामने एक है 20/7, वहाँ चलते हैं देखते हैं क्या है। वो काफ़ी ठंड है, करीब करीब टेम्परेचर होगा 12-12 डिग्री और नाउ इट इज़ रेड। We can cross the road. Okay. यहाँ पे यार पिज़्ज़ा बर्गर कुछ खाया जा सकता है, होटल के जस्ट पास में ही है। हेलो चिकन विंग्स, चिकन विंग्स है दोस्तों यहाँ पे एंड बर्गर भी है। विंग्स 12। तो दोस्तों एक काम करता हूँ, विंग्स 12 लेता हूँ एंड और एक चिकन बर्गर यहीं खा के चलते हैं। हेलो चिकन विंग्स, विंग्स 12 टेक अवे, आई विल टेक अवे, यू पैक इट। ओके एंड चिकन बर्गर, बर्गर 1 एंड 1 विंग्स, विंग्स 12, 1 2 यस 5 10। तो दोस्तों 2600 का है
12 चिकन विंग्स हैं और एक चिकन बर्गर है। नाइट के लिए काफ़ी होगा, चिकन बर्गर मैं यहीं खाऊंगा और चिकन विंग्स लेके जाएंगे होटल में। यहाँ पे बर्गर, चिकन, चिकन विंग्स, मतलब जो केएफसी वाली जो सारी चीज़ें, केएफसी का ही दूसरा वर्जन है कजाकिस्तान का, यहाँ शिमकेंट में, तो बहुत ही चीप मिला यार। तो अभी रेड लाइट है तो मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, देखो गाड़ी कितनी दूर खड़ी हुई है। और यही अगर अपने इंडिया में होता तो भगदड़ मचा देते। और गाड़ी से आपका, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये वेट करते हैं आपका, क्या आपको जब तक आप क्रॉस नहीं कर जाते। बाकी यार ये जो रेस्टोरेंट था लवास सेंटर, मैंने यहाँ पे 12 चिकन विंग्स लिए, एक चिकन बर्गर लिया और ये मुझे पड़ा केवल 450 रुपये का। सही है यार, अगर यही इंडिया में लेना होता तो ये मुझे पड़ता कम से कम 800-900 रुपये का, अगर KFC से लेते तो। बाकी सामने है, मुझे उन्होंने रिकमेंड किया था मेरे होटल वालों ने, ये जगह भी बहुत अच्छी है खाना खाने के लिए, पर बहुत ही एक्सपेंसिव होती तो इतना एक्सपेंसिव नहीं खाना चाहता था यार। जब 450 में बढ़िया गरम गरम मिल रहा है तो कौन 1000-2000 रुपये खर्च करेगा। तो फाइनली यार मैं हूँ शिमकेंट में, कजाकिस्तान, और इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। मैं एक एक्स सोवियत कंट्री में वॉक कर रहा हूँ नाइट में, अमेजिंग यार। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको यार, यहाँ की जो पॉपुलेशन है शिमकेंट की वो अराउंड 9 लाख के आसपास है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पता है पूरी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? केवल 2 करोड़ से भी कम लोग हैं, 1.90 करोड़ के आसपास की यहाँ की पॉपुलेशन है इस पूरा कंट्री की। अमेजिंग। तो तभी देख सकते हैं, और रोड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी, हालांकि 8 बजे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि दिल्ली में रात के 11 बजते हैं तब इतना कम ट्रैफिक होता है। तो भैया ये इनका एक तरीके से फुल थ्रॉटल चल रहा है ट्रैफिक का, बस इतना ही ट्रैफिक है क्योंकि भाई लोग कम है ना इसलिए। और पर इनके पास, और ये वर्ल्ड की 9th largest कंट्री है कजाकिस्तान, पर यहाँ की पॉपुलेशन जैसे मैंने बताया 1.90 करोड़ के आसपास है। ऑसम। और ये सामने ही है मेरा होटल सपार स्टैंडर्ड, बहुत यार काफ़ी स्पेशियस रूम है, जिस रूम में मैं रुका हूँ उसमें 2-3 बंदे रुक सकते हैं, पर ठीक है। तो एक आगे तक वॉक करने चलते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ और आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ नाइट का व्यू, यहाँ कजाकिस्तान शिमकेंट में। अच्छा, नाइट में आप कहाँ जा सकते हो? तो यहाँ पे अगर नाइट लाइफ की बात करें तो यहाँ पे एक जगह है अरबत, वहाँ पे आप जा सकते हो, अरबत नाइट मार्केट। और यहाँ से वो शिमकेंट सिटी सेंटर, यानी कि जो शिमकेंट जो मॉल है शिमकेंट सेंटर, उसके जस्ट पास में ही है, जस्ट उसको क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट वही आता है। अभी जैसे मैंने बताया कि 8 बज रहे हैं करीब करीब, तो अभी अनजान सिटी है, ज़्यादा वॉक करना पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, पर आपके लिए थोड़ा सा चलता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं कि कितना सेफ है ये जगह। और भाई सब लोग बड़े डिसिप्लिन हैं, जो रोड अभी तक मुझे अभी 4-5 घंटे हो गए हैं यहाँ शिमकेंट में, और जो मैं देख पा रहा हूँ कि लोग रूल्स ऑफ द रोड जो हैं उनको फॉलो करते हैं अच्छे से। भाई ये बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, ऊपर देखो। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने सिम ली है यहाँ पे Tele2 करके सिम है, सिम पड़ी है करीब करीब 900 रुपये की, और उसमें 25 GB डेटा है, तो ये सिम काफ़ी अच्छी थी इसलिए मैंने ले ली। और इसमें 5G तक आप चला सकते हो अगर आपका फ़ोन 5G सपोर्ट करता है। तो आप जब यहाँ पे आएँ तो सिम आप सबसे पहले लें, क्योंकि अगर आपके पास सिम होगी तो आप टैक्सी बुक कर सकते हो और चीपली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हो। जैसे अभी मैं टैक्सी से आया था, केवल 750 टेंगे में यहाँ तक आया था, और 750 टेंगे 5 का डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे रशिया की पुरानी, मतलब रशियन, वो सोवियत यूनियन के टाइम की यहाँ पे गाड़ियाँ, देखो लाडा करके ये कोई गाड़ी है। बाकी वैसे तो यार ये काफ़ी सेफ कंट्री है, और जो मैं नेट पे देख रहा था काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं, इवन लड़कियों के लिए भी काफ़ी सेफ है। मैं
तो मतलब यहाँ पे लड़कियाँ भी आराम से रात को 11-12 बजे तक घूम सकती हैं, कोई छेड़ेगा नहीं, जैसे अपने समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी बस थोड़ा सा आके जाके सिमकेंट स्क्वायर आ जाता है और वहाँ पे जो मॉल है, तो मैं आपको कल लेके चलूँगा वहाँ पे दिन में। अभी वापस चलेंगे अपने होटल की तरफ।